Hello friends, welcome to Angel Academy, a helping hand in English. Friends, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस के वीडियो बैक टू बैक जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11th और 12th के लिए. तो इससे पहले वाले वीडियो में जैसे आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने क्लियर किया था. ठीक, और उससे पहले हमने डिग्री क्लियर किया था, वॉइस ऑलरेडी कंप्लीट है और यूज एंड रिमूव ऑफ एडवर्ब टू भी हमने कंप्लीट किया है. अब आज जो हमें क्लियर करना है वो है दैट इज इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस. इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है डी, जैसे क्या था कि इससे पहले कुछ टेक्निक्स मैंने बताए थे असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में, कि जैसे कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर असर्टिव में, असर्टिव मतलब आप समझिए कि जो निगेटिव नहीं है, ठीक है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, तो अब क्या होगा कि जो अब अफर्मेटिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा हमारा वो इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव जो असर्टिव है, ठीक है, अफर्मेटिव है, अब वो निगेटिव सेंटेंस बनेगा. असर्टिव सेंटेंस जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा. तो मतलब तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ यही है कि अगर सेंटेंस में निगेटिव नहीं है तो निगेटिव बनाना है, और सेंटेंस में निगेटिव है तो अगला सेंटेंस निगेटिव नहीं बनाना है. आप ऐसे समझिए कि इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव नहीं है तो असर्टिव सेंटेंस निगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव है तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनेगा. आप ऐसे सिंपल समझ लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं है, खत्म सारी बात. इसमें अब देख रहे हैं कि इसमें तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो हाई है, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है. इसके लगभग 6 रूल है डी जी, इसके लगभग 6 रूल हैं, और क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि वीडियो लेंदी ना हो, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि मैं आपको 3 या 4 रूल आज मैं क्लियर करूं, और इसके बाद जो बाकी के बचे हुए 2 रूल हैं वो शायद नेक्स्ट वीडियो में, और अगर पॉसिबल हुआ कि कुछ थोड़े थोड़े एग्जांपल देकर के अगर मैं समझा दूं और 6 के 6 कंप्लीट हो जाए तो शायद मैं वो सारे के सारे मैं आज ही अपलोड कर दूंगा. आइए स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है. तो आते हैं बात रूल नंबर 1 पे, कैसे बनता है रूल नंबर 1, आइए देखते हैं. देखिए रूल नंबर 1 क्या है, एंटोनिम्स का यूज करके बनता है, यूजिंग ऑफ एंटोनिम्स. रूल नंबर 2 ध्यान दीजिए, एडवर्ब टू, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, रिमूवल ऑफ एडवर्ब. देखिए मेरी एक बात आपको यहां पर याद आएगी, मैंने आपको कहा था कि जितनी भी ग्रामर है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए. रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू हमने सिंथेसिस में भी पढ़ा था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक ही है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू, और अब आप फिर से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में ही जब इंटरचेंज अफर्मेटिव और निगेटिव करेंगे तो भी यहाँ पे यूज होगा, और ट्रांसलेशन में भी ये यूज होगा डी. तो कहने का मतलब है कि सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए डी. अच्छा लगता है कि अच्छा हमने पढ़ा है, हम इसे जानते हैं, चलो यहाँ पे आ गया, गुड. तो जितना आप समझेंगे, जितना आप जानेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनहेंस होगा. आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 3rd पॉइंट क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन द्वारा. अभी अभी जस्ट इससे पहले हमने मतलब ये जो इंट्रोगेटिव वाला जो कंप्लीट हुआ था, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इससे पहले, और उससे पहले हमने डिग्री ही कंप्लीट किया था. तो चलिए क्या है नेक्स्ट 3rd वाला, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज. या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लिख लीजिए, कंपैरिजन, ठीक है. नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखिए क्या है,
नो सूनर देन, देन वाला, ठीक है। रूल नंबर फाइव देखिए, नॉट ओनली बट अल्सो। अभी इससे अच्छा, अभी इससे पहले टेंथ स्टैंडर्ड के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, हालांकि वो ट्वेल्थ में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी अभी मैंने एडवर्ब नहीं कनेक्टर पढ़ाया था, अभी जस्ट इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया हूं उसमें कनेक्टर पढ़ाया था, तो उसमें ये बताया हुआ, अगर आप जाएंगे उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, जिसमें कनेक्टर में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है और उसमें मैंने बताया था। और रूल नंबर सिक्स, डबल नेगेटिव होना चाहिए, यस डबल नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप देखिए यही छह चीज हैं जो हमें क्लियर करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने में, ठीक इसका उल्टा भी करना है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए यूजिंग ऑफ एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का यूज करेंगे, कभी कभी मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया था कि ही इज गुड, तो इसका बनेगा, इसका ही इज बैड नहीं बनेगा, मतलब कि ही इज नॉट गुड नहीं बनेगा इसका नेगेटिव। टेंथ में क्या होता है कि ही इज गुड, इसका नेगेटिव बनाओ ही इज नॉट गुड, लेकिन जब हम यहां पे आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होना, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे ही इज गुड इसका क्या बनेगा, ही इज नॉट बैड, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि वो बुरा नहीं है, मतलब वो अच्छा है, मीनिंग सेम। यूजिंग ऑफ एंटोनिम्स, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, आप बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं कि ही इज टू गुड टू टीच, मतलब ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट टीच, वो इतना अच्छा है कि वो पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, बताया ही मैंने आपको कि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। नो सूनर देन, नो सूनर देन क्या होता है कि अभी मतलब जैसे ही क्लास में टीचर एंटर किया बच्चे खड़े हो गए, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है उसको एज सून एज से भी बनाया जाता है, लेकिन एज सून एज में बीच में कॉमा आ जाता है, और इसमें क्या है कि नो सूनर से बनाया जाता है और बीच में जो है देन लगा करके सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है। बताऊंगा, क्लियर करूंगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको बता ही दिया हूं, और डबल निगेटिव, डबल निगेटिव कैसे होगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा, और ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डीएल इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए अफर्मेटिव टू नेगेटिव, ये आ गया। चलिए रूल नंबर वन, यूजिंग एंटोनिम्स, ठीक है, जाहिर सी बात है हमने इसी पे बताया सबसे पहले कि यूजिंग एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यूज करके बनाएंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं। The knife is sharp. The knife is sharp. तो इसका क्या हो जाएगा? The knife is not blunt. Next sentence देखना चाहेंगे क्या है? The worker was diligent. The worker was not lazy. Next sentence देखिए। The servant should be honest. The servant should be
ऑनेस्ट, क्या होगा इसका? द सर्वेंट शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, ठीक है डियर। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ लाई, इट इज अ लाई, इट इज नॉट द ट्रूथ। देखिए अब इसको ऐसे समझिए कैसे एंटोनिम्स का यूज करना है, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव डालेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका एंटोनिम यूज कर देंगे, उसका ऑपोजिट वर्ड यूज कर देंगे, उसका विलोम शब्द यूज कर देंगे, मीनिंग सेम रह जाएगा। जैसे द नाइफ इज शार्प, चाकू क्या है? तेज है, नुकीला है, ठीक है, धारदार आप कह सकते हैं, नुकीला नहीं धारदार आप कह सकते हैं कि चाकू जो है तेज धार वाला धारदार है। द नाइफ इज नॉट ब्लंट, मतलब कि जो चाकू है वो कुंठित नहीं है, ठीक है। द वर्कर वॉज डिलीजेंट, वर्कर कैसा है, कारीगर कैसा है, मेहनती है, तो द वर्कर वॉज नॉट लेजी, कारीगर आलसी नहीं, सॉरी था, सॉरी माई मिस्टेक, कारीगर मेहनती था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कारीगर लेजी नहीं था, आलसी नहीं था। तो यहां पे देखिए, यहां पे हमने नॉट लगा दिया और डिलीजेंट का क्या कर दिया, लेजी, ऑपोजिट वर्ड निकाल दिया। द सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, नौकर कैसे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, जी हाँ, क्योंकि आपके बाद वो नौकर ही है जो जानता है सारी चीजें कि घर में कहाँ पे क्या चीजें रखी गई है, कैसे रखी गई है और किस चीज का कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होना और क्या इस्तेमाल होना। तो जाहिर सी बात है कि नौकर को कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक। तो द सर्वेंट शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, भाई नौकर बेईमान नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो ईमान, इसका मतलब कि नौकर ईमानदार होने चाहिए। नेक्स्ट है डियर, इट इज अ लाई, ये झूठ है, तो ये झूठ है डियर, इसका मतलब कि ये सच नहीं है, ये झूठ है। तो आई होप कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एंटोनिम का यूज करके कैसे आप बना सकते हैं, आपको समझ में आया होगा, आप इसको क्लियर कर लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल आता है रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू, बाय रिमूविंग एडवर्ब, ठीक है, बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। सेंटेंस देखिए, हालांकि रिमूवल तो आपने देखा ही है, इसका बकायदा पढ़ा है हमने, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये है कि जब यहाँ पे टॉपिक है तो इसको दे देते हैं कि यस, अगर सिंपल सेंटेंस में आता है ही इज टू लाइक ही इज टू ओल्ड टू टीच या ही इज टू ओल्ड टू वॉक, ठीक, he is too proud to talk, ठीक, तो इस तरीके के सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो बजाय सी बात है कि जब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाएगा तो फिर उसमें नेगेटिव वर्ड आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है लेकिन मीनिंग नेगेटिव ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर इसमें तो नेगेटिव नहीं है, आप यहाँ पे नेगेटिव ला दिए, ठीक है नेगेटिव नहीं है लेकिन मीनिंग में नेगेटिव है, सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, मीनिंग में नेगेटिव ही है, ठीक है। आइए, यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, too proud to accept any help, ठीक है, तो इसका क्या होगा, you are so proud that you cannot accept any help, any help,
देखिए यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि स्ट्रक्चर आपको लिख के दूँ, इससे बढ़िया है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक पे जाइए। सबसे पहला वीडियो, जी हाँ, सबसे पहला वीडियो प्लेलिस्ट में है, ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी बनी हुई है, वहां पर आप जाइए, क्लास 12th में मिलेगा आपको, कि ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला वीडियो इसी का है और उसमें पूरा रूल वगैरह लिखा हुआ है, सब पे लिखा हुआ है कैसे यूज करना है रिमूव एडवर्ब 2 का और कैसे रिमूव करना है एडवर्ब 2 को। तो फिर अगर आप उसको देख लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है क्लियर हो जाएगा, उसको देख ही लीजिएगा क्योंकि बिना उसको देखे आप इसको नहीं देख सकते। पहला स्टेप तो वही है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ पर आएगा तो अपने आप इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ही वॉज टू वीक टू सिट प्रॉपरली। He was too weak to sit properly. देखिए यहां पे क्या होगा, He was so weak that he, अब यहां पे कैन है क्योंकि यहां प्रेजेंट है, यहां पास्ट है तो यहां क्या हो जाएगा, कुड, दैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। ठीक है डियर, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ठीक है, तो दिस ट्री इज सो हाई दैट, अब देखिए यहां पे ट्री तो आ नहीं सकता, ट्री यहां नहीं ला सकते, मेरी बात ध्यान से समझिए, यहां पे ट्री नहीं ला सकते, इसीलिए यहां पे प्रोनाउन दिया हुआ है मी, मी को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, आई में, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड, दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। देखिए तो इसका क्या होगा, दीज मैंगोज आर सो चीप, अब देखिए दैट, यहां पे ध्यान दीजिए, अब यहां पर मैंने आपको बोला था कि यहां पे दिस ट्री नहीं आ जाए, नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, ठीक नहीं आ पाएगा, तो हालांकि यहां पे इट से बन सकता था, लेकिन इसलिए क्योंकि यहां पे प्रोनाउन दिया हुआ है डियर, जब यहाँ पे मी दिया हुआ तो फिर क्या जरूरत है हम दिस ट्री को यूज करने का, लेकिन अब यहां पे टू बी गुड, यहां पे तो एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है ध्यान दीजिए, दीज मैंगोज आर सो चीप दैट, अब क्योंकि मैंगोज है तो दे लग जाएगा, कैन नॉट, जो पैसिव वर्जन में जाता है मैंने आपको बताया भी था कि पैसिव वर्जन में जैसे बी लग करके जाता है, जैसे एक हो गया कि टू और फिर एक आ गया टू बी, तो फिर एक्शन थर्ड वहां पे होता है, हालांकि यहां पर ये एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। ध्यान दीजिए इसको, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, इसका मतलब ये होता है डियर कि आप इतने घमंडी हैं कि आप कोई हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, अब यहां पर निगेटिव वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका मीनिंग जब आप निकालेंगे तो इसका मीनिंग यही निकलेगा कि आप इतने घमंडी हैं कि आप कोई हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए बना है डियर यू आर सो प्राउड, आप इतने घमंडी हो दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, कि आप कोई हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। नेक्स्ट है डियर, ही वाज टू वीक टू सिट प्रॉपरली, वो इतने कमजोर हैं, वो इतने कमजोर हैं, सॉरी कमजोर थे, वो इतने कमजोर थे कि वो ठीक से बैठ नहीं सकते थे। ठीक, तो इसका क्या बना है, ही वॉज सो प्राउड, क्योंकि पास्ट में है डियर, तो पास्ट में, प्रेजेंट में होगा तो कैन आ जाएगा, पास्ट में होगा तो कुड आ जाएगा, तो ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। ठीक है,
वो इतने कमजोर थे कि वो ठीक से बैठ नहीं सकते थे. दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यह पेड़ इतना ऊंचा है मेरे लिए कि मैं चढ़ नहीं, मतलब कि मेरे लिए कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता. तो दिस ट्री इज सो हाई, यह पेड़ इतना ऊंचा है दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता. दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड, ये आम जो है वो इतने घटिया हैं कि ये अच्छे नहीं हो सकते. ये आम इतने घटिया हैं कि ये अच्छे नहीं हो सकते. तो दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड. ये स्ट्रक्चर है डियर और इसी के हिसाब से बना है. मीनिंग चेंज नहीं होनी है इसकी, सबसे बड़ी कंडीशन यही है. आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं. तो रूल इसको जो बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला वीडियो मेरा देखिएगा डियर, सबसे पहला वीडियो, वहां पर हम रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू ही हमने पढ़ा है. मैंने पहला वीडियो वही अपलोड किया. अगर वो दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और इट इज वेरी इजी डियर, इट इज वेरी इजी इफ यू आर एबल टू कंसिडर एंड यूज द रूल विच आई गेव यू इन दोज वीडियोज. ओके, अगर आप उन वीडियो को यूज वीडियो को देख करके अगर उन रूल को यूज करना सीख गए, दीज सेंटेंसेस विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल. यू मे टेक द स्क्रीन शॉट, जल्दी से ले लीजिए, फिर तीसरा वीडियो में सॉरी तीसरा रूल में आपको कंटिन्यू करो. जल्दी कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट रेडियो जी हाँ, कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. देखिए रूल नंबर थ्री, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. चलिए देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है. दिल्ली इज कूलर देन खैर. दिल्ली इज कूलर देन. इसको तो आप ऐसे समझिए डियर कि ये या तो पॉजिटिव बनेगा या तो कंपैरेटिव बनेगा. ये सुपरलेटिव में जा ही नहीं सकता क्योंकि दो ही लोगों के बीच में कंपैरिजन ही है. यू आर बेटर देन मी, यू आर टॉलर देन मी, लाइक यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी. तो या ही शी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, शी इज लाइक क्लेवरर देन मी. तो इस तरीके से हो गया. ही इज टॉलर देन मी, तो इस तरीके से हो गया. तो इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं डियर वो दो ही लोगों के बीच में होते हैं और वो पॉजिटिव या कंपैरेटिव यही बनते हैं, सुपरलेटिव नहीं बनते. तो इस तरीके के सेंटेंस ध्यान रखिएगा. दिल्ली इज कूलर देन खैर, तो अब इसका क्या बनेगा, मतलब कि दिल्ली क्या है, खैर से ठंडा प्रदेश है. ठीक है, तो खैर इज नॉट सो कूल एज दिल्ली. नेगेटिव बनाना ही है हमें, ये क्लियर है. ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में आ गया डियर. अगर पॉजिटिव डिग्री अगर आप नहीं पढ़े डिग्री तो पढ़ लीजिए, वही है. तो खैर इज नॉट सो कूल एज दिल्ली. नेक्स्ट देखिए क्या है दूसरा. आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू. अब ये लीजिए, आई एम एज स्ट्रॉन्ग As you. भी पहले आपका कंपेरेटिव डिग्री दिया था तो हमने पॉजिटिव बना दिया. अब पॉजिटिव डिग्री दे दिया है तो अब इसको हम कंपेरेटिव बनाएंगे. देखिए आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू. ठीक, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, या आप इसे आई भी कर सकते. तीसरा देखिए, द नाइफ, चलिए इसको छोड़िए, आप इस पे आइए.
आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है डियर, इसको इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्या आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल? देखिए इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि ये निगेटिव नहीं है, ना तो ये निगेटिव है ना तो ये निगेटिव है, मतलब ये दोनों ही क्वेश्चंस हैं। अब इसका आंसर कैसे होगा ध्यान दीजिए। तो अब ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है, इसका पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। ठीक है डियर, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका, कैलकटा इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा इसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। यहां पे आप नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज भी कर सकते हैं, सो यूजफुल एज भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लगभग मीनिंग सेम ही है और ये कटेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या था, कैलकटा इज द लार्जेस्ट टाउन, लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। कैलकटा इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। जाहिर सी बात है अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, अगर कंपैरेटिव डिग्री भी डालेंगे तो फिर वो मतलब कि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन हमें नेगेटिव बनाना है तो चलिए इसी भी बना दे। क्या कैलकटा इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया, तो नो अदर टाउन इन इंडिया is as large, चलिए इस बार सो पॉजिटिव डिग्री एज नहीं, एज पॉजिटिव डिग्री एज से कर रहा हूं, एज लार्ज एज कैलकटा। अब ध्यान दीजिए कि ये आपका, ध्यान दीजिए डियर, ये आपका कंपेरेटिव डिग्री है, तो मैंने आपको जब डिग्री पढ़ाया था मैंने आपको तभी बताया था कि अगर ये कंपेरेटिव सॉरी ये अगर अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव बनेगा, ये अगर निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बनेगा। और यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने क्लियर हो गया कि देखिए ये कंपेरेटिव डिग्री है, ये अफर्मेटिव है, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, ये निगेटिव है, लेकिन अगर ये अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव बना है और ये निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव बना है। मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको शायद वो समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डिग्री में है, क्या है, अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा। ध्यान दीजिए, दिल्ली इज कूलर देन खैर, दिल्ली खैर से ठंडा है, ठीक है। तो खैर इज नॉट सो कूल एज दिल्ली, मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ पे सो कूल चलेगा, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं तो एज कूल एज भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सो भी लगा देंगे तो कटेगा नहीं। तो खैर इज नॉट सो कूल एज दिल्ली, खैर उतना ठंडा नहीं है जितना कि दिल्ली है। नेक्स्ट, I am as strong as you, मैं उतना ही शक्तिशाली हूं जितना कि आप हो, तो you are not stronger than me, आप मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो क्योंकि मैं तो उतना शक्तिशाली हूं जितना कि आप हो, तो you are not stronger than me or I। Next part क्या है कि iron is the most useful of all metals, सारे metals में iron जो है वो सबसे ज्यादा useful है, उपयोगी है। और दूसरा sentence क्या बना है, iron is more useful than any other metal, आयरन जो है वो किसी भी दूसरे मेटल से ज्यादा उपयोगी है, ये कंपेरेटिव डिग्री बन गया,
पहला वाला सुपरलेटिव था, तो अब पॉजिटिव बनेगा, जाहिर सी बात है कि वो निगेटिव, क्योंकि मैंने जब आपको तीनों को कंपेरिजन बनाया था डियर, और चार्ट भी बनाया था, तो आपने देखा होगा कि नो सिर्फ पॉजिटिव में है, बाकी सब में वही है, और ये नो अदर से स्टार्ट होता है सिर्फ पॉजिटिव। कंपेरेटिव और सुपरलेटिव मतलब आप उठाएंगे तो सीधा सब्जेक्ट से उठाएंगे, लेकिन नो अदर वाला ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सिर्फ इसी में ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को पहले उठाना पड़ता है, वरना कंपेरेटिव और सुपरलेटिव को आप सीधा सब्जेक्ट से उठा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे थे हम कि हाँ, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, को दूसरा कोई मेटल उतना उपयोगी है ही नहीं जितना कि आयरन है। ठीक है डियर, नेक्स्ट है आपका, कलकत्ता इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। कलकत्ता क्या है कि भारत में सबसे लंबा, सॉरी हाँ, सबसे लंबा शहर या कस्बा कह सकते हैं। तो नो अदर टाउन इन इंडिया मतलब कि कोई दूसरा टाउन, कोई दूसरा शहर भारत में है ही नहीं इज एज लार्ज एज कलकत्ता, इतना बड़ा जितना कि कलकत्ता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी डियर। तीन रूल मैंने आपको बताए हैं, और तीनों, सबसे पहला जो बताया था वो आपको एंटोनिम्स वाला बताया था, दूसरा जो बताया अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, दूसरा जो बताया मैंने आपको वो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू वाला बताया था, तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का बता रहा हूँ। ठीक है, एंड आई होप एक बार मुझे वीडियो देख लेने दीजिए कितना लंबा गया है, तो फिर मैं इसमें और कोई मतलब रूल बता पाऊंगा इसको, या फिर यहाँ पे खत्म करना है। एक मिनट, जस्ट मुझे 10 से 20 सेकंड का समय दीजिए। सॉरी डियर, क्योंकि 32 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा, खत्म होते होते 32 मिनट हो जाएगा, और अगर मैं इसमें एक भी रूल अगर डालता हूं तो कम से कम 35 मिनट या 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा, और मुझे वो नहीं पसंद है। दो वीडियो ही बने, क्योंकि एक में तो फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो चलिए दो ही वीडियो बने। तो फिर आई होप कि जो मैं आपको बताया हूं डियर ये आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही जल्द मिलते हैं, सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो विद द सेम फर्दर पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक, इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आते हैं, बहुत जल्दी मुलाकात होगी डियर। टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट डियर।